तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और ये पता नहीं कहाँ से मुझे 1200 रुपये मिले। टेल द स्मगलर टू हिज डेस्टिनेशन विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, फॉलो हिम व्हाइल रिमेनिंग क्लोज। ठीक है, तो ये डर्ट बाइक हम उठाएंगे और स्मगलर का पीछा करना है हमें। अबे ये अबे गए गए बच गए। ये हुआ ना गुलाटी मार। अबे क्या हुआ, कहाँ गई? ओ उल्टी ही घसीटी आ रही है, इसकी तो हालत ख़राब हो गई यार। धुआं हुआ छोड़ रही है यार, तो कुछ ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा दूर है, ज्यादा नहीं। हाँ अरे रास्ता पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, शायद तक सही एकदम। भीड़ भड़क के में से निकल रहा हूँ, कितना फास्ट जा रहा है। अभी तो ऑटो सिग्नल ऑन भी नहीं। अबे बच गए। ओह डू नॉट किल सिविलियंस। क्यों आया रास्ते में, मैंने कहा मारा। ओ यहाँ पे तो कुछ है हमारे लिए, माल माल है हमारे लिए यहाँ पे। कहाँ है माल? घंटा बजाना है क्या? ये रहा ना माल। विदाउट बीइंग डिटेक्टेड मुझे उसे ट्रेल करना है, और रिपेयर भी कर सकता हूँ वैसे तो। ठीक है रिपेयर कर लेता हूँ। अच्छा वो रहा टेल द स्मगलर। अब शायद मुझे इस बाइक से ही करना पड़ेगा। तो बाइक में बैठा था, पर इसमें बैठ ऑटोमेटिक बैठने में आ गया। कोई बात नहीं, स्मगलर इज टू अवे। मैं कर रहा हूँ पीछा। शॉर्टकट मारा है मैंने, धीमे धीमे जाता हूँ। स्मगलर का पीछा करना है हमें और शायद उससे कुछ जानकारी हमें निकालनी है। मस्त जंगलों में से हमारी कार जाती हुई, बड़ा ही मस्त नज़ारा है, बड़ा ही मस्त। कहाँ गए ये लोग? ओबे देखकर वो जा रहे हैं। खैर अभी तक तो मुझे देखा नहीं है उन्होंने, अच्छी बात है। तो क्या बात है, अच्छा गेंडा, वो गेंडे आ गए उनको मारने के लिए, तो मैं निकल जाता ना। और डिटेक्ट नहीं होना ना, पर क्या मारा, मुझे भी गेंडे ने मारा। भाग लो अब तो, मुझे उसका पीछा करना है। हाँ मुझे उस पर्टिकुलर गाड़ी से अनडिटेक्टेड रहना है, उसके गुर्गों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। ठीक है वो पीछा है। किल द स्मगलर, मैंने पढ़ा ही नहीं ऊपर का नोटिफिकेशन। यार हट यार, अब तो इनको भी देना ही पड़ेगा प्रसाद। वो चल, और कोई है क्या? ये रहा, ये भी गया। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से हमने गोली चलाए बिना ही उसकी हालत खराब कर दी। एंटर द वॉल्ट। अब हमें वॉल्ट में जाना है अंदर, और हमारे पास बंदूक नहीं है तो नौ हमारे पास एरो हैं, बो हैं, उसी से काम चलाएंगे। ये रहा वॉल्ट। अब अबे जा यार, हेडशॉट मार रहा हूँ यार। अरे हद हो गई यार, क्या है, पूरा निशाना लगाया यूबीसॉफ्ट। अब लगा जाके, अरे इतना खराब निशाना नहीं है यार, हद हो गई। अबे मारा साले ने। अच्छा इसने सब कुछ पहन रखा है ना इसलिए। अरे यार फोकट में मेरी गलती की वजह से इतनी सारी हेल्थ गई मेरी। कोई बात नहीं, ठीक है हमने एरोज ले लिए हैं, अब करना क्या है। यहाँ कोई, हाँ ये रही। टेक आइटम्स ब्लड डायमंड, एस्केप द ब्लड डायमंड। ठीक है भाग निकलते हैं यहाँ से। अब मुझे काम करना चाहिए यहाँ से। मैं जरा, ग्रेनेड है मेरे पास काफी सारे मात्रा में, तो ओ भागो, ग्रेनेड ये गिर गया। अरे लोल हो रही है यार, एक से बढ़कर एक। ये गया।
एक बार और बोली यार वो अपने काम का नहीं है, बहुत कचरा हो गया आज तो मेरा। हेडशॉट गाड़ दिया सर में उसके तो, इस बार सारा का सारा बदला ले लिया भाई। वो तो फालतू तो फुकटिया लग रहा है मुझे, वो क्यों मुझे चलाने नहीं आ रहा ना इसलिए फालतू तो फुकटिया लग रहा है। तो यार नहीं मज़ेदार तो है वो चलाना, मज़ा तो आती है। अरे यार दोनों गाड़ियां खराब हो गई हैं, पर कोई बात नहीं, अब इस एरिया से हमें बाहर जाना है। तो आ गए बाहर। अरे ये बंदा है, गजब का हेड शॉट, गर्दन शॉट, हेड शॉट किया। और ये कौन मारा, ये भी गचक गचक करके मारा है उसको मैंने, कंट्रोल करके हील। और इससे जरा माल वाल ले लेता हूँ। अच्छा तो इन सबसे बच के भागना है, समझा। एरिया हमने लीव कर दिया है और इस बंदे की भी तलाशी ले लेते हैं क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ तो माल होगा। टेक द बुलेट टाइम टू द ड्रॉप पॉइंट। ठीक है, अब ये एक बलौता मात्र बंदा है, इसको मैं मारूंगा हेड शॉट यहाँ से। अरे लगा ही नहीं। गजब, उसकी तीर लगने तक की भी यहाँ तक आवाज आई है। पांच और बचे हैं मेरे पास, और तीरंदाजी काफी जबरदस्त हुई इस बार। और यार तो पानी में बैठकर जाना, नहीं बोट है ना अपने पास। यस बिल्कुल, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, हॉर्क को लोकेट करना है। और ये पीछे ही है कुछ 300 मीटर के आसपास, तो चलते हैं हम उस तरफ, हॉर्क को लोकेट करेंगे और उसे बचाएंगे जहाँ भी वो फंसा हुआ है। तो ये जोन में हम आने वाले हैं पूरी तरह से, शायद ये थोड़ा सा इसके अंदर हैं चीज़ें, मुझे ये लग रहा है। और आगे से कोई रास्ता होगा जाने का, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये लोग बिल्कुल एनिमीज़ हैं, एक ये है और एक वो है और एक वो बंदा है। तो मुझे वहाँ भी काफ़ी लोग छुपे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उसको समझ नहीं पड़ेगी शायद नीचे। तो अब इसको टेक डाउन करता हूँ मैं, ये निपटाया। इसको दिख नहीं रहा है, बड़ा शातिर माने जाते हैं ये लोग, तो क्या हुआ। ये निपटाया, ठीक है। एरो से लूँ, एरो से खात्मा करूँ। एक भी तो एरो है नहीं इसके पास, तो लेके क्या घूम रहा था साला, एक भी वो नहीं है इसके पास, पता नहीं क्या लेके घूम रहा था इस बंदे। मुझे क्या डरने की आवश्यकता है, फटाक से उड़ाता हूँ ना मैं। ये उड़ाया, ये उड़ाया। नो मर्सी, तू क्या कर रहा है भाई, भेड़िए मार रखे इन लोगों ने यार। और ये तो बहुत पहले ही सड़ गल के मर चुका है। और ये सामने ही हमारा है जो हमें चुराना, ये हमारा बंदा है। और ऐसे तो ये टूट नहीं रही है। हाँ टूट तो गई, उड़ जा बेटा, क्या लेटा ही रहेगा पूरी रात भर। एस्केप की बात चल रही है, तो भागते हैं। हर्क को हमने बचा लिया है, सामने पहुंचना है हमें। इनको तो, अरे यार कहीं फूट जाएगा तो हम नहीं मर जाएंगे क्या। ये गया, तो ऊपर जाना है। अच्छा वो मैंने उसको फोड़ा नहीं, तो हम खुद भी फूट जाते शायद। वो गया, उड़ा के फेंक दिया उसे, एलिफेंट किल। कोई नहीं है, ये आए, ये निपटा दिया इन लोगों को। आ जाओ तुम भी, आ जाओ बेटा। अरे मरे कि नहीं मरे, अब तो गया होगा वो, अब गया ये भी। मजेदार खेल है यार, ये तो बहुत जबरदस्त चल रही है। सबको एक एक बस अपनी माथे के दम से ही सबको उड़ा देना है। ये भी गए, इन सबको कुचल देना है भाई। एलिफेंट, और ये साला बहुत ज्यादा होशियारी मार रहा है। मार, ये गया, ठीक है। ये गया, ये गया, और ये तो साला मतलब मशीन गन लेके खड़ा है।
उसकी हालत उतनी ही ज़्यादा ख़राब करी हमने। ये आया, ये गया, कौन मार रहा है, ये गया, ये दोनों भी गए। दूसरा गेंडा है, गेंडे को मारेंगे। ये अबे कौन है ये, पीछे गया, हाथी को हमने पूरा ऊपर चढ़ा दिया ये। अरे अच्छा वहीं लेके आना था पूरे हाथी को यार।